खबर कटनी से है, जहां जिला अधिवक्ता संघ ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दरअसल अधिवक्ता संघ की विखंडन को रद्द करने समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध किया। इसी को लेकर अधिवक्ता संघ ने नेशनल हाईवे बनारस से नागपुर मुंबई का मुख्य मार्ग करीब 3 घंटे तक बंद रखा। इसे देखते हुए कटनी अपर कलेक्टर व प्रशासनिक अधिकारी CSP मौके पर पहुंचे। इस दौरान अधिवक्ता संघ ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को अवगत करवाया। इसी को लेकर कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी ने मांगों को लेकर अधिवक्ताओं से क्या कुछ बातचीत की, सुनिए। कटनी शहर में जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा कार्य से विरत होते हुए जिला न्यायालय में किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा। कार्य को बंद हुए आज से 10 से 12 दिन हो गए, जिसमें अपनी मांगों को लेके, यानी कह सकते हैं कोर्ट के विखंडन को लेके, जिला बार संघ के साथ तमाम अधिवक्तागण विरोध पर हैं। उन्हीं मांगों को लेके कहीं शहर में वाहन रैली कर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आज उन्हीं मांगों के तारतम्य में आज सड़क पर नेशनल हाईवे पे आके डटे हुए अपनी मांगों को लेके। इनका कहना कि हम सिर्फ विखंडन को रद्द करें, उसके बाद भी अपनी मांगों को डटे हुए। इसके अलावा विकल्प के रूप में इन्होंने श्रम न्यायालय और उद्योग संबंधित जो भी मांगे हैं, हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों को लेकर जिला बार संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला जी से। अमित जी, आप लोगों का जो विखंडन की मांग को लेकर आप लोग सड़कों पर आज उतारा है, 10 से 12 दिन हो गए कार से विरत होते हुए, तो न्यायालय प्रक्रिया भी बाधित हो रही है, इसके अलावा और क्या मांगे हैं और कब तक डटे रहेंगे इन तमाम चीजों को लेके? हम लोग दिनांक 22/8/2022 से अपने कार्य से विरत हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जिला न्यायालय कोर्ट का विखंडन हुआ है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, क्योंकि बिजराहोगढ़ में किसी प्रकार की कोई उचित व्यवस्था ADJ साहब को बैठने की नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर के जिला अधिवक्ता संघ के सभी सदस्य एक राय होकर के सड़क पर उतरने की बात किए हैं, वही बात को लेकर आज हम सड़क पर उतरे। अब देखना होगा इनकी ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता है। MK सिद्दीकी, कटनी।